हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर। सो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर। दिस इज द फिफ्थ चैप्टर फ्रॉम आर एस रोल ऑफ क्लास 7। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो बच्चे, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये एक्सपोनेंट्स और पावर्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो आइए इस फिगर में अगर देखें स्टूडेंट्स, ए है और एन है। वी कैन रीड दिस फिगर एज ए रेज टू द पावर एन। अभी यहाँ पे समझते हैं ये ए क्या है और एन क्या है। जो नीचे वाला पार्ट है उसे हम लोग बोलेंगे बेस, और जो अपर पार्ट है उसे बोलेंगे एक्सपोनेंट और इंडेक्स। ऑलराइट, ये जो फिगर गिवन है इसमें दो कंपोनेंट है, एक लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट। तो जो लोअर पार्ट होगा उसे हम लोग बेस बोलेंगे, और जो अपर पार्ट होगा उसे हम लोग इंडेक्स या एक्सपोनेंट बोलेंगे। ऑलराइट, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को पावर्स बोलेंगे। ऑलराइट, सो the lower part is base, upper part is exponent or index, and together we call it as power. All right, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स तीन नंबर्स हैं, 5 raised to the power 3, minus 6 raised to the power 4, 2 by 3 raised to the power 3. ठीक है, अभी ये समझना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो एक्सपोनेंट 3 है उसका मीनिंग क्या है, वो क्या रोल प्ले कर रहा है इस पूरे नंबर्स में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर देखें, ये जो एक्सपोनेंट 3 है ये हमें बताता है जो बेस पार्ट है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। सपोज 5 रेज टू पावर 3 है, तो वी कैन राइट इट एज 5 × 5 × 5। ओके, ये जो एक्सपोनेंट 3 है ये हमें बता रहा है कि ये जो बेस वाला पार्ट है वो कितना टाइम्स अपने आप में मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें स्टूडेंट, −6 raised to the power 4, तो ये हमें क्या बता रहा है कि जो −6 बेस पार्ट है वो अपने आप में ही क्या होगा स्टूडेंट्स, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल इस तरीके से −6 × −6 × −6। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है उसका रोल इतना है कि वो हमें बताएगा कि जो बेस पार्ट है वो कितना टाइम्स रिपीट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अभी इस केस में देखेंगे स्टूडेंट्स, 2/3 raised to the power 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2/3 ये जो बेस पार्ट है कंप्लीट ये मल्टीप्लाई होगा अपने आप में 3 टाइम्स। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये स्टेप वन है स्टूडेंट्स। अभी हम चाहें तो इसे फर्दर इवेलुएट कर सकते हैं। 5 raised to the power 3 ये हमें सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन दिया कि 5 3 टाइम्स अपने आप में रिपीट हो रहा है, बट इसका अगर वैल्यू निकालना चाहें 5 raised to the power 3 का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे इसे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि क्या रहा है। 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125। सो द वैल्यू ऑफ 5 raised to the power 3 इज 125। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, −6 raised to the power 4 था, तो ये हमें बताया कि −6 4 टाइम्स रिपीट होगा, अपने आप में मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हमें इसका वैल्यू इवेल्युएट करना होगा स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे और जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वही −6 raised to the power 4 का वैल्यू होगा। इस केस में अगर देखें, −6 × −6 = 36 × −6 × −6 = 36। नाउ आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस नंबर वी गेट 1296। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ −6 raised to the power 4। सिमिलरली अगर इस केस में देखें स्टूडेंट्स, 2/3 raised to the power 3, यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंट 3 है ये दोनों के लिए ही है, न्यूमरेटर पार्ट के लिए भी है और डिनोमिनेटर के लिए भी। जैसे यहाँ पे देखिए, 2 हम लोगों ने 3 बार रिपीट किया है, और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसे भी हम लोगों ने 3 टाइम्स रिपीट किया है। तो हम लोग इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 to the power 3 और 3 to the power 3, इसके पावर को सेपरेट भी कर सकते हैं। और 2 to the power 3 का मतलब है 2 × 2 × 2 and 3 × 3 × 3। अभी हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे 8, और डिनोमिनेटर पार्ट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 27। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 2/3 raised to the power 3। क्लियर है? ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स अभी वीडियो को पॉज करो और ये दोनों क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप सभी ने ये क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सॉल्व किए होंगे, बट चलिए फिर भी एक बार इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो हेयर वी हैव टू इवेल्युएट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3/4 raised to the power 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इसका पावर 2 है वो हमें बताता है कि 3/4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3/4 × 3/4, सो हेयर वी गेट 9/16। हेंस द वैल्यू ऑफ 3/4 raised to the power 2 इज 9/16। ऑलराइट, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, −4/5 raised to the power 5। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सपोनेंट 5 है,
मीन्स माइनस फोर ओवर फाइव को फाइव टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस फोर ओवर फाइव इंटू 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 माइनस फोर ओवर फाइव. ऑलराइट, नाउ वी विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर टू द न्यूमरेटर पार्ट एंड डिनोमिनेटर टू द डिनोमिनेटर पार्ट. सो हेयर वी गेट माइनस 1024 डिवाइडेड बाई 3125. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ माइनस फोर ओवर फाइव रेज टू द पावर फाइव. तो स्टूडेंट्स, अभी जो हम लोगों ने देखा वो क्वेश्चन एक्सपोनेंट फॉर्म में गिवन था और हम लोग उसे इवेल्युएट कर रहे थे. नाउ अभी हमें नंबर कुछ इस फॉर्म में गिवन होगा और हमें उसे एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. सो हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू एक्सप्रेस दीज नंबर्स इन टू द एक्सपोनेंटल फॉर्म्स. नंबर्स मल्टीप्लाइड सेवरल टाइम्स बाई इटसेल्फ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंटल फॉर्म. तो बच्चे, जब हम किसी नंबर को एक से ज़्यादा बार मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो उसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 32/243, अभी हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो इसके लिए हमें 32 एंड 243 का प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना होगा. तो चलिए इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं. 32 टू से देंगे 16, अगेन 2 से 8, फिर से 2 से देंगे 4, फिर से 2 से देंगे 2. सो हियर वी गेट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ऑल राइट, नाउ 243 का अगर प्राइम फैक्टर निकालेंगे स्टूडेंट्स तो हमें मिलेगा 3 से देंगे 3 से 24 एंड 3 1 3, 3 से 27, 3 से 9 एंड 3 से 3. सो हियर वी गेट 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 5 टाइम्स. सो वी कैन राइट इट एज 2 raised to the power 5 एंड 3 raised to the power 5. स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, 2 पे पावर 5 है और 3 पे भी पावर 5 है, दोनों ही पावर सेम है. तो हम इसे लिख सकते हैं 2/3 raised to the power 5. ओके, सिमिलरली अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, 81/16, इसे भी अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम लोग इंडिविजुअली 81 एंड 16 का प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे. 3 27 3 9 3 3, फॉर 16 वी हैव 2 8 2 4 2 2. सो हियर वी गेट 3 × 3 × 3 × 3 2 × 2 × 2 × 2. सो वी कैन राइट इट एज 3 raised to the power 4 एंड 2 raised to the power 4. हेयर वी कैन सी एक्सपोनेंट इज सेम इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पार्ट. सो वी कैन टेक कॉमन द एक्सपोनेंट लाइक दिस. सो द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 81/16 इज 3/2 raised to the power 4. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. तो स्टूडेंट्स, कुछ रूल हैं जिन्हें हमें फॉलो करने हैं ड्यूरिंग सॉल्विंग आउट द क्वेश्चंस. रूल नंबर 1, मल्टीप्लीकेशन रूल. ए ओवर बी रेज टू द पावर एम मल्टीप्लाइड विद ए ओवर बी रेज टू द पावर एन, देन वी कैन राइट इट एज ए ओवर बी रेज टू द पावर एम प्लस एन. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए ओवर बी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और एम एन कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है. तो इस फॉर्मेट में अगर कोई क्वेश्चन गिवेन होगा जिसमें दोनों बेस सेम हो तो उसकी पावर्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग कंसीडर करें 2 to the power 5 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 to the power 3 से, तो यहाँ पे देख रहे हैं जो बेस पार्ट है वो दोनों सेम है. तो हम लोग इसे लिख सकते हैं बेस इज 2 एंड एक्सपोनेंट 5 + 3, एक्सपोनेंट को हम लोग ऐड कर सकते हैं और इसे ओवरऑल लिख सकते हैं 2 raised to the power 8. नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर ले स्टूडेंट्स इन फ्रैक्शन फॉर्म, सो वी टेक 5/2 raised to the power 3 मल्टीप्लाइड विथ 5/2 raised to the power 4. ऑलराइट, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं जो बेस पार्ट है वो दोनों ही सेम है, तो ये हम कॉमन ले सकते हैं 5/2 और इसका जो एक्सपोनेंट है वो आपस में ऐड हो जाएगा 3 + 4 = 5/2 raised to the power 7. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स डिवीजन रूल. ये रूल हमें बताता है स्टूडेंट्स कि जब भी अगर दो बेस सेम हो और दोनों डिवीजन में हो तो उसके पावर्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सपोज 2 raised to the power 5 डिवाइडेड बाई
टू रेज टू पावर थ्री। इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स बेस सेम है तो बेस हम लोग कॉमन ले सकते हैं और इसकी पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 5 माइनस 3 दैट इज 2 रेज टू पावर 2। नेक्स्ट एग्जांपल ले अगर स्टूडेंट्स 3 ओवर 2 रेज टू पावर 11 डिवाइडेड बाय 3 ओवर 2 एंड रेज टू पावर 9। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी देखेंगे बेस दोनों का सेम है तो बेस कॉमन रहेगा और इन दोनों का एक्सपोनेंट पार्ट जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 3 ओवर 2 रेज टू पावर 2। समझ में आया स्टूडेंट्स? हम लोगों ने अभी दो रूल देखा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन में क्या था स्टूडेंट्स कि जब भी दो बेस सेम होगा तो उसके पावर्स को ऐड कर लेंगे और इन डिवीजन उसके पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। रूल नंबर 3, पावर ऑफ ए पावर। स्टूडेंट्स जब किसी बेस पे एक पावर हो और उसके ऊपर कोई दूसरा भी पावर हो तो उस केस में बेस को कॉमन रखेंगे और उसके जितने भी पावर्स हैं सभी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें स्टूडेंट्स 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 5 है, तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, बेस 2 है वो एज इट इज रहेगा और इसके जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा 2 रेज टू पावर 15। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इन फ्रैक्शन फॉर्म। 1 ओवर 2 पावर 3 पावर 4 एंड देन पावर 5। यहाँ पे अगर देखिए स्टूडेंट्स ये एक बेस है, इस पे पावर है 3 देन पावर 4 देन पावर 5। इस केस में स्टूडेंट्स 1/2 ये जो बेस है ये तो रहेगा ही, बट इसके बाद जो पावर्स आएगा वो आपस में सभी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो हमें मिलेगा 1/2 टू दी पावर, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले 5 × 4 20, 20 × 3 60, सो पावर 60। क्लियर है स्टूडेंट्स अभी? रूल नंबर 4, नेगेटिव एक्सपोनेंट। जब भी कोई नंबर नेगेटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में हो स्टूडेंट्स तो उसे हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो बेस होगा उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे और जो पावर्स होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अगर ये सेम चीज फ्रैक्शन में हुआ स्टूडेंट्स तो जो a बाई बी के फॉर्मेट में होगा वो b बाई ए में चेंज होगा, वो रेसिप्रोकल होगा और जो पावर्स होगा नेगेटिव में वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 रेज टू पावर माइनस 3, इन दिस केस बेस इज 5 सो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/5 और इस पर पावर माइनस 3 प्लस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। सेम चीज़ अगर यहाँ फ्रैक्शन मिले 5/7 टू द पावर माइनस 4, इस केस में स्टूडेंट्स जो बेस पार्ट है उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 7/5 मिलेगा हमें और जो एक्सपोनेंट है माइनस 4 वो प्लस 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। रूल नंबर 5, जीरो एक्सपोनेंट। किसी पे भी पावर जीरो हुआ स्टूडेंट्स तो उसका वैल्यू 1 होता है। सपोज हमारे पास नंबर है 100, इस पे पावर अगर जीरो कर रहे हैं तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। नंबर कितना भी बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रैक्शन में अगर देख लें 2/9, इस पे पावर अगर जीरो होगा स्टूडेंट्स तो इसका वैल्यू अपने आप में ही 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, बहुत ही कॉमन है बट इम्पॉर्टेंट भी है। फर्स्ट नंबर अगर देखें स्टूडेंट्स, किसी पे भी अगर पावर कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ है तो हमें ये समझना चाहिए कि उस पे पावर ऑलवेज 1 होता है। जैसे अगर हम लोग देखें कहीं पे अगर 5 लिखा है तो हमें ऑलरेडी नोन है कि इसके डिनोमिनेटर पार्ट में 1 होता है। सिमिलरली अगर किसी नंबर पे कोई पावर नहीं गिवन है तो हमें ये अज्यूम करना है कि उस पे पावर 1 है। सिमिलरली फ्रैक्शन में भी अगर कहीं पे a ओवर b लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये समझना है कि a पे भी पावर 1 है और b पे भी पावर 1 है और इसे हम लोग कॉमनली a ओवर b टू द पावर 1 भी अज्यूम कर सकते हैं। थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स, इफ इट इज गिवन दैट a ओवर b रेज टू पावर m इज इक्वल टू a ओवर b रेज टू पावर n विद द सेम बेस देन द एक्सपोनेंट विल आल्सो बी इक्वल m इज इक्वल टू n। तो स्टूडेंट्स अगर कोई फ्रैक्शनल फॉर्म में हमें कोई नंबर गिवन है और बेस दोनों LHS और RHS सेट का दोनों का बेस सेम हो तो उसके पावर्स भी इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल 2/3 रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू 2/3 रेज टू पावर 10 और यहाँ पे क्वेश्चन होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इस x का वैल्यू निकालना है। तो हमें पहले से ही नोन है स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी कि अगर गिवेन हो कि दो बेस सेम है तो उसके पावर्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है स्टूडेंट्स, 2/3 और यहाँ भी 2/3 है, दोनों बेस सेम है और इक्वल है तो इस केस में क्या होगा, ये जो पावर्स है इसका इक्वल हो जाएगा। सो 2x विल बी इक्वल टू 10 एंड वैल्यू ऑफ x इज 10/2 दैट इज 5, सो
हम लोग बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ एक्स इज 5। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं इससे रिलेटेड। क्लियर है स्टूडेंट्स अभी?